अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अनाया को बस बहुत ज़्यादा फीवर है। पूरी रात जो है कल से वो दोपहर से जो है सो रही थी और उसको फीवर बहुत ज़्यादा था। कुछ खाया भी नहीं इसने। मैं आज नहीं गई कहीं पर भी क्योंकि उसकी तबीयत इतनी, उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। अभी थोड़ा सा उठी है, थोड़ी सी बेटर है। नया क्या हो रहा है आपको बताएं? तबीयत को क्या हो रहा है नया की बताओ? डॉक्टर के पास चलना है? डॉक्टर के पास नहीं नहीं अनाया तो खुद डॉक्टर। क्या हुआ मेरी चीकू को? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। यू आर नॉट वेल? आई एम वेल। यू आर वेल? यू आर ब्रेव, बिग एंड स्ट्रॉन्ग ना? अनाया इज द स्ट्रॉन्ग गर्ल। अनाया को कुछ नहीं होता, बुखार हो गया ना, बुखार को हम भगा देंगे। हमारी क्या हालात है? हैं जैन? हैं मत, बुखार हो रहे? तबीयत सही है तुम्हारी? जो थोड़ा बुखार है। वहां से इधर आओ, मैं क्या कह रही हूँ, जल्दी से इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, मैं बुला रही हूँ ना, जल्दी से आओ। क्या कह रही हूँ, छोड़ो उसको। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हैं तुम सही हो? गंदे इधर आओ। क्या मसला है यार? आज जो है सभी बीमार हो गए, बच्चे भी और कोई भी अब जो है इस वक्त सभी बीमार हैं घर में। और घर का हाल कुछ इस तरह हुआ हुआ है अभी। और अभी जो है बस सफाई शुरू करेंगे। खिचड़ी हमने चढ़ा दी है क्योंकि सभी बीमार हैं तो खिचड़ी बेस्ट है। गले सबके ख़राब हैं और थ्रोट बिगड़ा हुआ है सबका, तो खिचड़ी और साथ आलू गोश्त सोच रही हूँ, देखें क्या बनता है। बस इन बच्चों के लिए पैटी गरम कर रही हूँ, तो इसका सैंडविच बना दूँगी, अगर खाएं तो खा लें। किचन में एक तूफ़ानी बदतमीजी है और जो है बस हाल बुरा है। जो जो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है अभी वो करनी है, फिर जो है थोड़ा सा निपटा के मिलते हैं थोड़ी देर में। बना दूँ ना फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ खिचड़ी खाएँगे? हाँ तब भी ठीक हो जाएगी ना उसके साथ। खिचड़ी अच्छी लगती है ना नाया को, मैं अभी बनाती हूँ खिचड़ी। खिचड़ी खा लो ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये टैबलेट खाओ अहमद, ये ब्रूफेन लो। लो बेटा, मामा भी थक गई है, सब बीमार हैं, उठो बेटी जान ले लो। अनाया की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उठो। शाबाश, तुम भी लेट जाओगे तो कौन मेरी हेल्प करेगा? मैं तो पागल हो गई हूँ सुबह से। ये लो, उठो उठो, पानी पियो, लो उठो, उठो ना, उठकर पियो ना, गोली फंस जाएगी। और ये विंडो जरा ओपन करो।
क्या बुखार चढ़ा है? देखो शुक्र है खुदा का, अनाया थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ी सी उठी है ये, सुबह से जो है सो रही थी। अहमद जो है वो स्टिल, मैं भी आपकी सलाम मम्मा। हाँ बहुत बीमार है अहमद भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रात के 9 बज गए, आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं शूट किया क्योंकि मुझ पर भी जो है वायरल अटैक हुआ था, लेकिन मैंने फ़ौरन ही एंटीबायोटिक ले ली और एंटी एलर्जी ले ली क्योंकि मैं इस वक्त बीमार हूँ, ना फूड नहीं कर सकती, पूरी फैमिली बीमार है, तो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता कि मैं लेट जाऊँ। और फिर ये कि आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स जो थे वो सब मैंने जो है कैंसिल कर दिए थे क्योंकि कोई सीधा ही नहीं है, सब बेड पे पड़े हुए। तो अब ये है कि कल इंशाल्लाह उनको जो है सुबह में जाकर जो है पूरे करेंगे इंशाल्लाह। बस ये है कि दुआ करें कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कोर्ट में काफ़ी टाइम लग रहा होता है, फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से तो है कि काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है इतना सफ़र और उसके बाद। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है मेरी रिक्वेस्ट पे बहुत जो है सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं। मैं चेक कर रही थी आज जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं मेरे वीडियोज़ के ऊपर, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमें अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया। और इंशाल्लाह जो है हम भी व्लॉग्स बनाते रहेंगे क्योंकि अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। और अनाया जो है, अनाया की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी बेहतर है। अनाया शुक्र है कि आके बैठी है दो दिन बाद आज लाउंज में। अनाया तबीयत नहीं सही है आपकी? हाँ भाई इनकी भी तबीयत ख़राब है, अब देखें दाढ़ी वाड़ी इन्होंने बढ़ाई हुई है और कल वैलेंटाइन है, मैंने कहा अपना मुँह वो सही करें आप, ताकि ये है कि हम कल जो है सेलिब्रेट कर सकें। और जुहेब बिल्कुल लाल हो रहा है, बिल्कुल लाल टमाटर, जुहेब को बहुत बुखार चढ़ गया है, जुहेब को, जुहेब देखें आप किस कदर लाल हो रहा है, ये देखें लाल हुआ हुआ है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है टमाटर बन गया है ये। और उसको बहुत बुखार है और उसकी हड्डियों में दर्द है और मैं अभी इसको जो है दबाऊँगी क्योंकि रोज़ मेरे पैर दबाता है, तो आज मैं इसको दबाऊँगी। अच्छा ये है आलू गोश, ये बारबेक्यू है और ये सैलेड है, रात का डिनर है, आलू गोश्त घर का है, बाकी जो है बाहर के। तबीयत सही है? बेटर हो? फीलिंग बेटर? आइसक्रीम लिया? ये सारे मेरे फ्लावर्स जो है ना ये सुबह तोड़ देते हैं, ये जो है अब इनका साइज़ देखें कितने बड़े बड़े फ्लावर्स, ये सुबह जो है ना सब तोड़ जाते हैं हर चीज़ को ना, आके चेकिंग करते हैं और उसके बाद हर चीज़ जो है हिलाई भी होती है। थोड़ा सा रात का व्यू जी, क्या हुआ आइसक्रीम को? कौन सी वाली? कप वाली? तो अभी हम वो अंकल आएंगे ना नीचे कप वाली आइसक्रीम वाले, उनको मैं बोलूंगी वो आपको दे जाएंगे कप वाली आइसक्रीम। अनाया ने मंगाई आइसक्रीम और अब उसे खानी है। मेरा शेर है ये, एक शेर सही है मेरा, बाकी दो शेर जो है ना वो बिस्तर पर पड़े हैं बेचारे बीमार हो गए। क्या हुआ गायब? जुहेब भी बुखार में तप रहा है और अहमद जो है उसको बहुत बुखार है, सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आज जो है बड़ा ही टफ डे है और बच्चे सारे बीमार, सब घर में बीमार, तो बस जो है बच्चों के साथ ही सारा टाइम स्पेंड हुआ। आपको पता है जो है माँ को तो टाइम देना होता है ना, बच्चों को जो भी है वो भी सिचुएशन है तो उसमें मैनेज करना होता है बच्चों को,
और घर को भी मैनेज करना है, बाहर के मामलों को भी मैनेज करना है, तो छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को, हर चीज़ को लेते हुए और साथ ले कर चलना पड़ता है, नो मैटर क्या सिचुएशन हो, आपकी सेहत कैसी हो। तो आज जो है मुझे भी एक आया था वायरल का अटैक, लेकिन शुक्र है कि मैंने उसको जो है कवर कर लिया फौरन, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती इस वक्त, मुझ पर इस वक्त बहुत लाइबिलिटीज़ हैं। तो बस अब यह है कि कल इंशाल्लाह मैं अपनी जो मेरे पेंडिंग टास्क, बाकी खैर अपना दुख तो जो है प्लस आपको पता है टर्की के अंदर जो हुआ है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी अपनी फैमिली है। और मुझे जो है दिसंबर के एंड में ट्रैवल करना था टर्की के लिए, लेकिन कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकी, शायद यही रीज़न था अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी और शायद हम जो है अल्लाह ने हमें बचा लिया, हम ट्रैवल नहीं कर पाए, वरना हमारी पूरी तैयारी थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो इतनी बड़ी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऑफकोर्स अपने बच्चे, अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क तबाह होते देखना इट्स नॉट ईजी, तो उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और जो है हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको जो है सब्र दे और हिम्मत दे और बुरे वक्त से जो है निकाले। अब इंशाल्लाह कल जो बाकी के मेरे पेंडिंग टास्क हैं उनको मेरी कोशिश होगी कि मैं कंप्लीट करूं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हम लास्ट मोमेंट तक करते हैं ताकि कोई दुख ना रहे कि आपने कोशिश ना की किसी चीज़ के लिए। और जब आप हक पे होते हैं, सच पे होते हैं, तो आप फिर घबराते नहीं हैं अपने हक के लिए ना, अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है, आप किसी के लिए बुरा नहीं करते तो कोई आपके लिए भी बुरा नहीं कर सकता, नो मैटर कोई कितनी कोशिश कर ले। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बड़ी छोटी सी लाइफ है और हम जो है नफ़रतों में सब कुछ भूल गए, बस अजीब मारामारी सी है, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है लाइफ, लेकिन शुक्र है खुदा का आप जितना अपने आप को महदूद रखते हैं उतना आप खुश रहते हैं। तो अल्लाह चलें, थैंक यू सो मच और गुड नाइट, कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ हम मिलेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।